नवरात्र में भक्ति की ऐसी अनोखी तस्वीर आपने शायद ही देखी हो। नवरात्रि के अवसर पर बिहार के गया में एक साधु ने सबसे कठिन तपस्या का उदाहरण पेश किया। साधु ने अपने सीने पर एक दो नहीं पूरे 30 कलश स्थापित किए। देखिए भक्ति की अनोखी तस्वीर। ऐसी भक्ति आपने नहीं देखी होगी, ऐसा भक्त आपने नहीं देखा होगा। भक्ति की शक्ति की अनोखी तस्वीर देखिए। बिहार के गया में वैष्णव देवी मंदिर के एक पुजारी ने अद्भुत भक्ति दिखाई। शहर के गोल बगीचा इलाके में स्वामी रक्तांबर जी महाराज ने नवरात्र में अपने सीने पर 30 कलश स्थापित किए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे स्वामी रक्तांबर ने अपने सीने पर कलश स्थापित किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पूरे 30 कलश। स्वामी जी खुद जमीन पर लेटे हैं और उन्होंने पहले अपने सीने पर जौ उगाए और उसके ऊपर एक के बाद एक 30 कलश स्थापित किए। देखिए स्वामी जी के पूरे सीने पर जौ उगे हुए हैं। स्वामी जी का दावा है कि वो पिछले 15 साल से अपने सीने पर ऐसे ही कलश की स्थापना हर नवरात्रि के दौरान करते हैं। आम लोग जब जगे होते हैं तो 1-2 घंटे ही एक जगह सीधे लेटे रहने में परेशानी होने लगती है, लेकिन स्वामी रक्तांबर जी महाराज का दावा है कि वो नवरात्र के 9 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। स्वामी जी का कहना है कि उनके सीने पर ये कलश देश में 51 शक्तिपीठों के नाम उनका संकल्प है। 51 शक्तिपीठ के नाम पर मैंने 51 शक्तिपीठ के नाम पर 51 कलश स्थापित किया, जो अभी तक बिहार में ये पहली बार हुआ है। जन जन लोगों को ये जो तमोगुण बढ़ रहा है, जो नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो रहा है, ये भक्ति के भावना से ये सत्य को दिखाना पड़ता है कि ये परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। स्वामी जी को कोई परेशानी न हो, इस बात का पूरा ख्याल उनके भक्त रख रहे हैं। कोई उनका सिर दबा रहा है तो कोई पैर। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि स्वामी जी को कोई परेशानी न हो। सीने पर 51 कलशों की स्थापना की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुट रही है। विमलेंदु चैतन्य, गया आज तक।